हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 412 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, ह्यूमो के जो फादर होते हैं वो यहाँ पे स्नीक अटैक करते हैं और साथ ही अपने पावर्स को रिलीज करते हैं, लेनफेंग के ऊपर हमला करते हैं और लेनफेंग को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कोई अपने बेटे को मरते हुए देखे इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से वो लेनफेंग के ऊपर हमले करते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। यहाँ पे जू वूचे उन्हें धमकी देते और कहते कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारी कब्र यहीं पे खोद के रख देंगे। वो ठीक से एक्शन भी नहीं ले पाते और यहाँ पे लिन फेंग जो होता है वो आगे बढ़ के उनके बेटे को यहाँ पे मार देता है, यानी कि यूमो को वहीं पे खत्म कर देता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि जरा देखो लिन फेंग ने कैसे यहाँ पे यूमो को मार दिया। यूमो अपनी यानवुलम के 8 लेवल के पीक पे था, पर फिर भी यहाँ पे लिन फेंग ने उसको इजीली मार डाला। लिन फेंग तो वाकई में एक स्ट्रांग और जीनियस कल्टिवेटर होने के लायक है। क्योंकि जू वूचेंग जो होते हैं वो स्टेज के ऊपर होते हैं, जबकि यूमो की लाश वहीं पे होती है स्टेज के ऊपर। जो जू वूचेंग होते हैं वो कहते हैं यूमो के फादर से कि तुम अपने बेटे को लेके यहाँ पे जाओगे कि या फिर मैं इसको साफ कर दूँ। यूमो के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि जू वूचेंग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखने वाले आपस में लोग बात कर रहे होते हैं कि लिन फेंग जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जब से ये फाइट में उतरा है तब से ये धीरे धीरे करके अपने पावर्स को शो कर रहा है और सबके सामने आ रहा है, और जैसे पता चल रहा है कि लिन फेंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऊपर से ये जो लिन फेंग नाम का ये बंदा है, ये कंटिन्यूसली अपने हर एक बैटल को जीतते जा रहा है, पता नहीं कितना स्ट्रांग है। लिन फेंग ने अब अपने पहले के 5 बैटल को भी यहाँ पे जीत लिया है और ऊपर से अब यहाँ पे यूमो भी जा चुका है और बाकी के जितने भी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हैं वो भी यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। और यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स की फाइट होगी लिन फेंग के साथ, मेरे को देखना है कि क्या लिन फेंग सबको हरा पाएगा। और बाकी के लोग भी इसी चीज को लेकर एक्साइटेड होते हैं कि लिन फेंग कितना स्ट्रॉन्ग है और पावर उसकी देखने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। देखने वाले दर्शक में से और कहते हैं कि जरा देखो, लिन फेंग ही नहीं जिसने यहाँ पे स्टार्टिंग की 5 बैटल को इजीली जीत लिया है, बल्कि यहाँ पे एक और लड़की है जो कि सेकंड रैंक पे आती है, जिसके पास सेकंड रैंक की जेट की थी, उसका नाम टैंग यू है, जो कि एक लड़की है और उसने भी अपने पहले 5 बैटल को जीत लिया है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि जरा देखो, अब यहाँ पे एक और फाइट देखने में मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अब फाइट होने वाली है लिन फेंग के वर्सेस लिन फेंग वर्सेस डेडवुड की। तो गाइस आप लोग भी एक्साइटेड हो जाओ क्योंकि ये फाइट भी धमाकेदार होने वाली है, मैं शायद आपको गारंटी से तो कह सकता हूँ। तो अब यहाँ पे फाइट होगी डेडवुड वर्सेस लिन फेंग। डेडवुड का तो आपको पता ही है कि वो कितना ज्यादा मिस्टीरियस है और उसकी पावर हम अभी तक हमने देखी नहीं है ना, रिवील हुई है और अब हम देखने वाले हैं डेडवुड की पावर, वुड से रिलेटेड ही होगी शायद। तो लिन फेंग और डेडवुड एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं बड़ी गुस्से के साथ, दूर में ही जीतना चाहते होते हैं। क्योंकि देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि लिन फेंग अपने से एक हाईर लेवल के बंदे को हरा सकता है, तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ क्या वो डेडवुड को भी हरा सकता है जिसका लेवल उससे भी हायर है। जो फाइट होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल होने वाली है। ये कल्टिवेटर दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, खास करके डेडवुड वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, पर लिन फेंग में कुछ कम नहीं है। अभी तक जितने भी उसने अपनी पावर्स को शो किया है उसके हिसाब से देखा जाए तो शायद लिन फेंग इस बैटल को जीत सकता है। और यहाँ पे डेडवुड अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास बहुत सी ट्रिक्स है जो कि अभी तक शायद इसे छुपाए रखी है, ये कभी भी शो कर सकता है, और ये बंदा ऊपर से केयरलेस भी नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे इसको कम नहीं आंकना चाहिए, ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। पर अगर तुम फिर भी केयरलेस निकले तो शायद मैं तुम्हें यहाँ पे मार सकता हूँ, तुम यहाँ पे एक ना एक गलती तो जरूर कर गया है, जैसे यहाँ पे एक गलती तुमने की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्योंकि डेडवुड लिन फेंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि क्या तुम रेडी हो, क्या तुम फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, जबकि लिन फेंग उनमें सोच रहा होता है ये जो बंदा है डेडवुड ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल लग रहा है, जबकि मैं यहाँ पे आया हूँ, हमने पावर्स को रिलीज किया है, इस बंदे ने भी पावर्स को रिलीज किया है, दोनों ही पावर्स को रिलीज करते हुए आए हैं, पर यहाँ पे मेरे को इसकी पावर बहुत ज्यादा लग रही है, ये बंदा मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा, इसकी पावर ज्यादा है। यहाँ पे जो डेडवुड होता है अपने पास से एक मार्शल सोल होता है या क्या होता है पता नहीं, वो मैं मार्शल सोल ही कह देता हूँ, तो जो भी होता है वो सोल टाइप का या जो भी उसका वो रहता है, वो तो अपने पास से एक डेडवुड निकालता है, डेडवुड का होगी या नॉर्मल वुड पता नहीं, बट आप वुड समझ लो, तो वो अपने पास से एक वुड टाइप का कुछ निकालता है। फिर कहता है कि तुम्हारी जो मार्शल सोल है जो बिल्कुल एक डेडवुड की तरह है, जैसा कि तुम्हारा नाम है डेडवुड, तो तुम्हारी मार्शल सोल मेरे को लगा ही था कि वो भी यहाँ पे वुड के रिलेटेड होगी, और मेरा गैस बिल्कुल सही था, तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है वो यहाँ पे बिल्कुल एक डेडवुड की तरह है। क्योंकि यहाँ पे डेडवुड जो होता है बहुत ज्यादा एक्साइटिंगली कहता है कि चलो अब जल्दी से अपनी शॉर्ट का बॉन्ड निकालो, मेरे को यहाँ पे रेडी मेरे को यहाँ पे इंतजार नहीं हो रहा कब तुमसे मैं फाइट करूँ और तुम्हारी और हमारी बैटल स्टार्ट हो। लिन फेंग कोई रिप्लाई नहीं देता, स्टिल वहाँ पे खड़ा हुआ होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ना कुछ कहा हो डेडवुड ने। पर डेडवुड जब देखता है कि वो हिल नहीं रहा और वो मूव भी नहीं कर रहा, ना अभी तक हमारे लिन फेंग ने अपनी शॉर्ट को बाहर निकाला है, तो जबकि जो डेडवुड होता है वो कहता है कि आखिर
तुम यहाँ पे क्या करो, चलो अपनी ब्लडी जो स्वॉर्ड है उसको यहाँ पे बाहर निकालो। कोई यूमो जैसा कमजोर इंसान नहीं हो जो तुमसे डर जाऊँ तुम्हारी ब्लडी स्वॉर्ड देख के हार मान लो। चलो जल्दी से अपनी ब्लडी स्वॉर्ड को बाहर निकालो और मेरे साथ बैटल करो अपनी स्वॉर्ड के साथ। मेरे को अपनी स्वॉर्डमैनशिप दिखाओ। लिमथंग कह रहा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको यूज़ करना ठीक नहीं होता, और मेरे ख्याल से अभी के लिए मैं अपने स्वॉर्ड का यूज़ यहाँ पे नहीं करने वाला क्योंकि वो मेरे लिए ठीक नहीं। स्वॉर्ड से किसी को हरा देता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, स्वॉर्ड चलाने में मैं बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी गोल्डन बॉडी की सहायता से ही मैं तुम्हें यहाँ पे हरा दूंगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पे अपनी फायर को यूज़ करने वाला हूँ, अपनी टेरिफाइंग फ्लेम को यूज़ करने वाला हूँ। तुमसे फाइट करते हुए मेरे को फ्लेम ज़्यादा सुटेबल लग रही है, तो मैं यहाँ पे फ्लेम का यूज करूंगा ना कि अपनी स्वॉर्ड का। ब्लडी स्वॉर्ड को मैं यहाँ पे यूज बिल्कुल नहीं करने वाला। देखने वाले दर्शक को तो सरप्राइज पे सरप्राइज मिलने जा रहा होता है और वो लोग कह रहे होते हैं अरे ये हो क्या रहा है भाई, ये बंदा है क्या चीज। ऊपर से जब ये यहाँ पे यूमो के साथ फाइट कर रहा था वो सब ने ब्लडी स्वॉर्ड का यूज किया। इसकी जो ब्लडी स्वॉर्ड है बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे एक अजीब तरह का डिमोनिक या इवल सा पावर निकलता है और यहाँ पे वो जो उसकी ब्लडी स्वॉर्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिनफेंग यहाँ पे क्या कर रहा है, वो उसका यूज करने की बजाय यहाँ पे अपनी फ्लेम को यूज कर रहा है। ऐसे फ्लेम के जरिए वो ये सोच रहा है कि वो यहाँ पे डेडवुड को हरा देगा। आखिर ये बंदा सोच क्या रहा है, ये करना चाहता क्या है कि हमारे डेडवुड कहता है तो अच्छा तुम्हें यहाँ पे अपनी फ्लेम को यूज करना है तो ठीक है तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी फ्लेम को यूज कर सकते हो जब मेरे से तुम फाइट करो मेरे अगेंस्ट। तो एक तरफ है डेडवुड जिसकी मार्शल स्पिरिट है डेडवुड, और एक तरफ है लिनफेंग की टेरिफाइंग फ्लेम। तो देखते हैं कौन जीतता है। फाइट को करते हैं शुरू। तो लिनफेंग आगे बढ़ता है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ और अपनी फ्लेम को रिलीज करते हुए लिनफेंग सामने डेडवुड की तरफ आगे ही और बढ़ता है। उनके जो हमले होते हैं वो दोनों ही अपने हमलों को छोड़ देते हैं आपस में, और लिनफेंग की फ्लेम भी आगे की तरफ बढ़ती है, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं दोनों के अटैक। दिखाते हैं लिनफेंग जो होता है सामने की तरफ देख रहा होता है जहाँ पे जो डेडवुड होती है उसकी जो झाड़ी है या जो भी होता है पेड़ टाइप का जो भी वुड टाइप का जो अटैक रहता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। लिनफेंग अपने चारों तरफ देखता है तो असल में उसके नीचे से पेड़ टाइप का कुछ निकल के आ गया होता है, और यहाँ लिनफेंग को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि चारों तरफ उसके वुड टाइप के कुछ स्पिरिट रहता है कि उसके पूरे रास्ते को कवर कर देता है, जिससे लिनफेंग को दिशा पता करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, और ये भी पता करने में मुश्किल हो रही होती है कि डेडवुड आखिर है क्या, उसकी लोकेशन कहाँ है। लिनफेंग हैरान होता है जबकि डेडवुड जो होता है अपनी लकड़ियों के बीच में से कहीं पे जा रहा होता है और उसकी जगह उसने क्रिएट किया तो उसको पता है कि वो कहाँ से जाता है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं जरा देखो डेडवुड ने तो यहाँ पे अपनी ड्रेड ट्री के अंदर लिनफेंग को पूरी तरह से ट्रैप कर दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे डेडवुड ने यहाँ पे पूरी जगह को क्रिएट किया है, डेडवुड को इसका चप्पा चप्पा पता है और वो अपने मुताबिक इसको बदल सकता है और कैसे भी करके अपने मुताबिक इसको ढाल सकता है ट्री को। हमें दिखाया जो डेडवुड होता है उसने यहाँ पे पूरी तरफ से मतलब चारों तरफ से लिनफेंग को पूरी तरह से लकड़ियों के अंदर बंद कर दिया होता है, एक बड़ा सा गोल दायरा टाइप का कुछ बना दिया होता है ट्री की वजह से। लिनफेंग वहाँ पे अपनी फ्लेम को रिलीज करते हैं, वहाँ पे थोड़ी रोशनी कर रहे होते हैं और कहता है कि ये क्या लगता है इसने मेरे को यहाँ पे ट्रैप कर दिया है, खैर अब क्या कर सकते हैं। लिनफेंग सोच रहा होता है क्या मैं इसको अपनी पावर ऑफ विल के जरिए मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पे डेडवुड कहता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे इसको अपने पावर की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर दोगे तो ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम अपनी फायर की मदद से बुझा दोगे या हटा दोगे या जला के राख कर दोगे, ये जो मेरी वुड है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, नॉर्मल फ्लेम भी इसको बुझा नहीं सकती, मेरी बुझा नहीं सॉरी वो काट नहीं सकती, मतलब एक तरह से जला नहीं सकती। लिनफेंग यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, और इसी के साथ वो अपनी फ्लेम उसको रिलीज करते हुए कहता है बर्न जल जाओ। बस वो इतना ही कहता है कि उसकी जो डेडवुड रहती है वो जलना चालू हो जाती है, और यहीं पे अपने एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में उसकी जो डेडवुड है वो यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, लिनफेंग ने उसको जला दिया, या फिर लिनफेंग पूरी तरह से इस डेडवुड के अंदर ट्रैप हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, साइन एट अ पीस गुड बाय। कमेंट टारगेट है 50 कमेंट का, तो कर देना यार अच्छा लगता है जब करते हो। बाय बाय।